अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के अंदर न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिस पर सूबा सिंध का ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद अप्लाई कर सकते हैं। अनाउंस होने वाली जॉब्स के हवाले से तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर अनाउंस होने वाली जॉब्स की वीडियोज़ के हवाले से आप लोग अपडेटेड रह सके। मैं हूँ सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। दोस्तों, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यह एडवर्टाइजमेंट रीजनल ऑफिस एनटीसी कराची की जानिब से पब्लिश किया गया है, जिसका ऑफिस नियर मरीन हाल्ट कराची पे मौजूद है, यानी कि सिलेक्शन के बाद आपकी ड्यूटी कराची के अंदर होगी। सबसे पहले ये बात मेंशन की गई है कि नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल टेलीकॉम सर्विस है, जिसपे अनाउंस होने की वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पर, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं, रेगुलर बेसिस जॉब है और ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम के अंडर आता है। सबसे पहले जो वैकेंसी इसके अंदर अनाउंस हुई है वो है जूनियर डाटा नेटवर्क टेक्नीशियन की। इसके अलावा इसका ग्रुप टू सिंध अर्बन के कोटे पे एक वैकेंसी है, सिंध रूरल के कोटे पे दो वैकेंसी है। 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल रियाज इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास तालीम मैट्रिक साइंस होनी चाहिए, 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आईटी के अंदर। नंबर टू पर वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन की, इसका भी स्केल ग्रुप टू है। इसमें अप्लाई करने के लिए सिंध अर्बन पे 3 सीट्स हैं और सिंध रूरल के कोटे पे 5 सीट्स हैं। इसमें भी अप्लाई करने की एज लिमिट 30 साल है। मैट्रिक साइंस की बुनियाद पर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से सरकारी मुलाजिम में तो आपको एनएससी लेकर अप्लाई करना होगा। आपकी एज लास्ट डेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। मजीद इसके अंदर एज रियायत आपको दी जा सकती है अगर आपके ऊपर लागू होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप सरकारी मुलाजिम है या साबका फौजी है तो सूरत में आपको मजीद रियायत दी जा सकती है। टेस्ट इंटरव्यू के लिए आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होती है, लास्ट डेट के बाद आती है, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। आपने एक सिंपल पेपर के ऊपर एप्लीकेशन टाइप करनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपका वो आपने मेंशन करना है, साथ में अपनी लेटेस्ट अपडेट CV लगानी है और साथ में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स की फोटो कॉपी, जिसके अंदर आपका शनाख्ती कार्ड, 2000 पासपोर्ट साइज तस्वीर, आपका डोमिसाइल PRC, आपके तालीमी असनाद और तमाम चीज़ें आपने फोटो कॉपी करवा के 17 ग्रेड के स्तर से अटैच करवानी है और 15 दिन के अंदर अंदर आपने डिस्पैच कर देनी है जनरल मैनेजर साउथ NTC रीजनल हेडक्वार्टर KAP 1 ओल्ड एक्सचेंज बिल्डिंग नियर मलिर हल्ट कराची पे। ये इनका फोन नंबर भी उस पर मेंशन कर दीजिएगा। 15 दिन का मतलब ये है कि 17 जनवरी को एडवर्टाइज पब्लिश हुआ है, अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 फरवरी 2022 है, इससे पहले आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट वीडियो नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।